नमस्कार, स्वागत है आपका खासखबर.com पर और मैं हूँ पलक गुप्ता। आइए नजर डालते हैं राजस्थान की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राजस्थान पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। सीएम ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजस्थान में अगले 48 घंटों में मिल सकती है गर्मी से राहत, तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना। बयाना के अजनोली गांव में दो भाइयों में पानी को लेकर झगड़ा, दो महिलाओं सहित 5 लोग घायल। डीडवाना में झोला छाप डॉक्टर ने ली प्रसूता की जान। घटना के बाद झोला छाप डॉक्टर हुई मौके से फरार। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश में अस्पताल को किया गया सीज। जयपुर में फर्जी पुलिस वालों का निकाला जुलूस, लूट के इलाकों में कराई परेड। अलवर के किशनगढ़ बास के पूर्व विधायक रमेहत सिंह यादव को ट्रक ने मारी टक्कर, गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, ट्रक चालक गिरफ्तार। हनुमानगढ़ में जंक्शन पुलिस ने अवैध पोस्ट छिलका सहित दो लोगों को किया गिरफ्तार। बहरोड़ कस्बे के पंचमुखी हनुमान मंदिर पर कांग्रेस नेता संजय यादव के नेतृत्व में बहरोड़ विधायक डॉक्टर जसवंत यादव और पूर्व विधायक बलजीत यादव द्वारा अमर्यादित और अभद्र भाषा का प्रयोग करने के विरोध में सद्बुद्धि महायज्ञ का आयोजन किया। अलवर में लगातार बढ़ती चोरियों की वारदात, सूने मकान को बनाया निशाना, नकदी जेवरात पार। भरतपुर में गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत से परेशान लोग, पेयजल समस्या को लेकर हीरादास स्थित वाटर बॉक्स का महिलाओं ने किया घेराव। डूंगरपुर में जनता जल मिशन में रामसोर गांव में बनी टंकी, एक बार भी नहीं हुआ पानी सप्लाई, ग्रामीणों का प्रदर्शन। भाजपा के सामाजिक सरोकार अभियान के तहत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने राहगीरों को शीतल पेय पिलाया। उदयपुर में इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर अपहरण कर फिरौती की मांगी रकम। उदयपुर में एक्शन में प्रशासन, गली गली घूमे कलेक्टर, घरों पर दस्तक देकर पूछा पीने का पानी ठीक से आ रहा है ना। जवाहर कला केंद्र की ओर आयोजित जूनियर समर प्रोग्राम बच्चों के लिए बड़ा मंच बनकर उभर रहा। प्रियंका जोधावत ने कहा कि हारमोनी में विभिन्न विधाओं का समावेश देखने को मिलता है। कोटा में रेलवे कर्मचारी की सनसनीखेज हत्या का खुलासा, पत्नी ने रची खौफनाक साजिश। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.khaskhabar.com पर लॉगिन करें और प्ले स्टोर से जाकर हमारा ऐप खास खबर को डाउनलोड करें। नमस्कार।